सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू गाइस आर फाइन। सो गाइस, आज का व्लॉग जो है ना हमारा कुछ ऐसे ही होने वाला है। सो अपने व्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो अभी हम जाने हैं, जुम्मे की नमाज हो चुकी है और मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। अभी मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि अभी मेरा भाई नीचे खड़ा है। जुम्मे की नमाज के बाद यार वो एक सीन होता है ना, वो सारे लेते बाहर होते हैं बिरयानी की थैली, तो मुझे लग चुकी है मतलब भूख। हम जाने अब नीचे, भाई नीचे खड़े हैं, बिरयानी लेते हैं और दो तीन चीज़ें और हैं वो भी लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। मैं और मेरे भाई निकल चुके हैं सामान लेने के लिए और यहाँ का हशर मैं हम लोगों को दिखाती हूँ। भाई के साथ यहाँ पे वो खड़े मेरे भाई, हम लोग बिरयानी लेने आए, बिरयानी लेने उसके बाद फिर चलते हैं। बिरयानी लेने गए मेरे भाई। कचौरी लेने रुक गए, तो मेरे भाई कचौरी ले रहे हैं, कचौरी लेने उसके बाद फिर मिलते हैं। हम लोग रुक चुके हैं कांटे वाले छोले लेने के लिए, बस हमारा भाई ये लाया उसके बाद फिर चलते हैं। यहाँ पे रुक चुके हैं, पर यहाँ की जो हालत है ना आप लोगों के सामने, कैसे गटर वटर का पानी है, अजीब गलीज हुआ भाई ये जो जगह है ना बिल्कुल ही। और ये इन्होंने रास्ता बनाया है कि हम यहाँ से चढ़ के चले जाएँ, हमने पाँव गंदे ना करें। ये नहीं हो सकता कि भाई ये लोग ये पानी वानी साफ करवाएं, थोड़ा रोड बनवाएं, ये कचरा वगैरह सब साफ करवाएं ना, ये नहीं होगा इन लोगों से। चले गए थे वहाँ पर, वो वापस आ रहे, देखते हैं पूछते हैं उससे भाई क्या हुआ है, क्या हुआ। आ चुके हैं यहाँ पे, हमें बिस्किट्स वगैरह कुछ लेने हैं, बस यहाँ से सामान ले लें, उसके बाद फिर हमें सीधा घर ही जाना है। पर यहाँ से सामान ले लें, अगर यहाँ से मिल गया तो ठीक है, वरना फिर हम कहीं और जाएंगे। जहाँ पे हम पहले गए थे वहाँ पे हमें सामान मिला नहीं, उन्होंने कहा भैया आप कहीं और चल जाएँ, तो अब कहीं और आए, देखते हैं मिलता है यहाँ पे या नहीं। दे दिया हमें, तो करें यहीं से सामान मिल गया हम लोगों को। यहाँ से हमने सामान ले लिया और बस हमारी एक चीज़ बाकी है, वो भी ले लें, उसके बाद फिर सीधा हमें घर जाना है। हम लोग यहाँ पे रोटी लेने के लिए रुके हैं और यहाँ के तो भाई सीन्स ही अलग हैं, मतलब बिल्कुल ही बारिश वाला मौसम हो रहा है। ये देखें आप, बिल्कुल ही बारिश वाला मौसम हो रहा है। बस अब जल्दी से चलते हैं घर, क्योंकि अल्लाह ना करे रास्ते में बारिश ना मिले हमें, बस चलते हैं घर उसके बाद फिर मिलते हैं। हम लोग देख सकते हैं क्या हुआ भाई, यहाँ की गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं कह सकते। ये पूरा यहाँ पे इन लोगों ने पत्थर वगैरह लगाए हुए हैं कि आप बस यूँ चढ़ जाएँ, कुछ भी नहीं कह सकते इन लोगों को। क्या हाल हुआ है यहाँ पे, ये पूरा पानी पानी वहाँ तक कोने तक हुआ है, बिल्कुल ही पानी पानी हो रहा है, कुछ भी नहीं कह सकते। पूरे पाँव वाँव सब गंदे हो गए हैं, जो हम लोग बिल्कुल साफ सुथरे आए थे, बिल्कुल ही हालत बुरी हो चुकी है यहाँ पे। पानी आगे तो सीन ही कुछ अलग है, ये देखिए अल्लाह। मैं भी आपको तर के अपना हशर दिखाती हूँ क्या हुआ है। फाइनली आ गए, पूरा ये पाँव हमारे गंदे हो चुके हैं। ऊपर जाते हैं, ऊपर समझौते हैं लोग जल्दी से, पूरे पाँव हम लोगों के ये गंदे पानी के हो गए बिल्कुल ही। बस चलते हैं, पर फिर मिलते हैं। चलते हैं, हमारी पप्पा को सामान देने के, उनका सामान था। बस हम लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं हम लोग, ये देख सकते हैं खोले हम, ये देखें यहाँ पर सामान आया है। आ चुके हैं, बिल्कुल ही पाँव गंदे पानी के हो चुके हैं, वॉशरूम चलते हैं उसके बाद इन्हें धोते हैं। खाने के लिए बैठ चुके हैं, खाने में हमारे पास है बिरयानी, कचौरी, उसके साथ आलू की तरकारी और काटिया वाली छोले हैं हमारे पास, जिसके साथ फुल्ले वाली रोटी है। और फुल्ले वाली रोटी अगर काटिया वाली छोले के साथ गरम गरम, ओह बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। और फिर हमारे पास भी रखी है चाय, बस जल्दी से करते हैं हम लोग अपना खाना, उसके बाद फिर मिलते हैं। हम चेक कर रहे हैं हम लोग कैसा जो है ना बिल्कुल मज़ेदार हो रहा है एकदम, ये देखें यहाँ पूरे बादल ही बादल और एक तरफ ये धूप, ओहो मतलब खुदा की भी क्या कुदरत है। सो अब बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।